बसपा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन, 28 को प्रधानमंत्री करेंगे रैली। मेरठ सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल के शास्त्री नगर डी ब्लॉक स्थित चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को धूमधाम के साथ हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन करते हुए राजेंद्र अग्रवाल की विजय कामना की। इस मौके पर राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि वह सोमवार को पूरे जोर शोर के साथ नामांकन करेंगे। उन्होंने बताया उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 28 मार्च को मेरठ पधार रहे हैं। मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। कई कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के बावजूद खुद को टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मात्र एक व्यक्ति विरोध कर रहा था, लेकिन वह भी अब उनके साथ है। उन्होंने अपना मुकाबला बसपा प्रत्याशी हाजी याकूब से बताया। वहीं जब इस बाबत उन्हें बताया गया कि बसपा प्रत्याशी उन्हें अपने मुकाबले में ही नहीं मानते और कांग्रेस से अपनी टक्कर बता रहे हैं, इस पर राजेंद्र अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि बसपा प्रत्याशी सही कह रहे हैं, वह दूसरे नंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में उनका मुकाबला पहले नंबर के प्रत्याशी से हो ही नहीं सकता। बहरहाल चुनावी माहौल गर्माते ही अब प्रत्याशियों की बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कार्यालय का उद्घाटन के साथ सभी कार्यकर्ता एक विशेष उद्देश्य के प्रति संकल्पित हो जाते हैं और वो उद्देश्य है 11 तारीख को मतदान के समय पूरी ताकत के साथ जन समर्थन को बैलेट बॉक्स तक लेकर के जाना, वोटिंग मशीन तक लेकर के जाना और भारी मार्जिन से विजय को सुनिश्चित करना। तो आज वो संकल्पबद्ध हो जाएंगे और फिर अपने अपने क्षेत्रों में तेजी के साथ जनसंपर्क करते हुए चुनाव अभियान के अंदर लगेंगे। नामांकन 25 तारीख को मैं करूंगा, सोमवार के दिन, और उस दिन हम लोग जाएंगे, जरा एक जुलूस के रूप में भी हम जाएंगे कचहरी तक, उस दिन नामांकन करेंगे। नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, 28 तारीख को उनकी सभा है, महासभा है, विशाल रैली है, जहाँ राष्ट्रोदय का कार्यक्रम हुआ था जागृति विहार एक्सटेंशन में, वहाँ पर सभा का आयोजन किया गया है। 10 बजे उसके लिए हम निमंत्रण भेज रहे हैं और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरठ को गौरव प्रदान करते हुए यहाँ पर आकर के पहली रैली करने का हमको आशीर्वाद दिया है। जनता है वो अपने सांसद का प्यार जानना चाहती है कि उनके पास आए, लेकिन समय भी बहुत कम है और विरोध भी है, कैसे करें? नहीं, समय तो जरूर कम है, अब दौड़ेंगे, जरा अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, तेजी से चलेंगे जरा, और फिर जो हमारे सारे सहयोगी कार्यकर्ता हैं वो सब कुछ उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि एक बार मैं चाहे किसी सवारी पर बैठ करके ही सब जगह जाकर के सबको प्रणाम करके आऊं। देख रहे हैं कि ट्वीट करके भी पार्टी के लोग ही विरोध कर रहे हैं, तुम लोगों कैसे मनाएंगे? क्योंकि बड़ी बारिश में अगर बात करें विधायक शहर विधायक की तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है चुनाव में। नहीं, मेरा ऐसा तो नहीं, मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है, एक दो कार्यकर्ता ने, एक ही कार्यकर्ता ने कहना चाहिए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ये कई बार होता है, जब टिकट मांगता है कोई कार्यकर्ता तो उसके साथ उसकी अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं और जो अपेक्षा पूरी नहीं होती नाराजगी दिखाते हैं, लेकिन वो नाराजगी स्थायी नहीं होती है, वो एक फौरी प्रतिक्रिया है। और मुझे पूरा विश्वास है, हमेशा पहले भी ऐसा हुआ है कि लोग जो है सब अच्छे मन से उसके अंदर लग जाते हैं। अच्छा, आपका मुकाबला किससे है? मुकाबला तो बसपा से ही है, याकूब कुरैशी से ही है। अच्छा, आप भी याकूब कुरैशी से अपना मुकाबला मान रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पे कह दिया भाजपा से मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, वो कोई ठहरती नहीं है मेरे आगे, कांग्रेस से मेरा मुकाबला, क्या कहना चाहते? तो उनका मुकाबला ठीक कहा उन्होंने कि कांग्रेस से, क्योंकि लड़ाई दूसरे तीसरे नंबर की है, पहले नंबर से कोई लड़ाई नहीं है।